हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पोल स्टार की असाइनमेंट नंबर 9 शुरू करेंगे। ये है चैप्टर 9 से रिलेटेड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 4p इंटू 0। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन ये है कि जब हम 4p को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा। हमें पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें -4p और 7pq का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का मतलब फिर से मल्टीप्लाई ही है। तो हमें क्या करना है, -4p और 7pq इनका प्रोडक्ट निकालना है। 7 4 28, पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी का स्क्वेयर, क्यू का यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्यू ऐसे एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -28p² q। तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट होगा। 7 4 28, पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी का स्क्वेयर, क्यू ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2/3 xy इंटू -9/10 x² y²। हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, 2/3 xy मल्टीप्लाइड बाय -9/10 x² y² 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स हमें ये पता है कि इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर और साथ में वाई इंटू वाई स्क्वेयर। ये 6 के टेबल पे चला जाएगा, 6 3 18, 6 5 6 5 30। अब हमें ये भी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि अगर बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है एक्स एक्स, तो इसकी पावर ऐड होंगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर आएगा 3/5। ये 3/5 यहां से आया, ये हो गया 3/5। एक्स बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, 2 + 1 3। वाई यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, 2 + 1 3। तो ये हमारा आंसर होगा 3/5, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो -3/5 x³ y³ जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वेयर यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें इसका स्क्वेयर पता करना है आइडेंटिटी यूज करते हुए। आइडेंटिटी हम कौन सी लगा रहे हैं, हमें पता है कि a + b होल का स्क्वेयर क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा a क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा हमारा 2/3 m, और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 3/2 n। तो पहले a का स्क्वेयर करेंगे, तो 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, m² m² + 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4 n² n² +2a × b 3/2 n। तो ये हो गया हमारा 4/9 m² + 9/4 n² 3 से 3 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया +2m × n m n। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द आइडेंटिटी x + a × x + b = x² + a + b × x + a b। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है। x + 3 × x + 7, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है ये वाली आइडेंटिटी को यूज करते हुए। हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, x की जगह पे x लिखा है, a की जगह पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो मींस a की वैल्यू क्या है, 3। यहाँ पे x की जगह पे x लिखा हुआ है, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 7।
तो b की वैल्यू क्या आ गई 7। तो अब हमें इसके अंदर पुट कर देना है, तो ये क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये पूरी आइडेंटिटी हमने एज इट इज लिख ली। अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस ए कितना है 3, बी कितना है 7 इंटू एक्स प्लस ए 3 है बी कितना है 7, तो एक्स स्क्वेयर ऐसे ही आ गया प्लस 7 प्लस 3 10, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 3 7 जा 21, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का जिसकी LBH हमें गिवन है। L क्या गिवन है, L गिवन है 5, A B क्या गिवन है 3 A का स्क्वेयर, H क्या गिवन है 7 A की 4, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एच, मीन्स तीनों का प्रोडक्ट करना है। एल की वैल्यू क्या है 5, ए मल्टीप्लाइड बी की वैल्यू 3 ए का स्क्वेयर इंटू एच की वैल्यू 7 ए की पावर 4। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 110। यहाँ पे बेस सेम है, ये भी ए है ये भी ए है ये भी ए, बेस सेम होती है तो पावरें क्या होती हैं, पावर्स होती हैं ऐड, तो ए यहाँ पे पावर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हो गया हमारे पास 110 ए की पावर 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, तो ये हमारा हो गया आंसर 110 ए की पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है किसको, ए प्लस बी और 7 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर को, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। पहले ए को इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय 7 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस, अब बी को इसके साथ करेंगे ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाय 7 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, 7 ऐसे ही आ गया, ए और ए बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, यहाँ पे पावर 1 है 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया ए की क्यूब और साथ में बी का स्क्वेयर प्लस यहाँ पे 7 एज इट इज आ गया, ए अकेला ही है तो ए स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे बी दो बार है बेस सेम है पावर ऐड होंगी, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो बी की पावर 3, तो ये हमारा आंसर हो गया 7 ए क्यूब बी स्क्वेयर प्लस 7 ए स्क्वेयर बी क्यूब। हम इनको सिंप्लीफाई करना है, ए प्लस बी होल का ए प्लस ए बी प्लस बी सी होल का स्क्वेयर माइनस 2 ए बी स्क्वेयर सी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये पहले हम यहां पे ए प्लस बी होल का स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां पे, तो ए क्या है हमारे पास ए बी का होल स्क्वेयर प्लस बी क्या है बी ए है बी सी का स्क्वेयर प्लस 2 ए इंटू बी साथ में माइनस 2 ए बी स्क्वेयर सी, तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2, ए की कोई और टर्म नहीं है तो ए एस सी आएगा, बी इंटू बी हो जाएगा बी का स्क्वेयर साथ में सी की कोई और टर्म नहीं है तो ये सी एस सी आ जाएगा माइनस 2 ए बी स्क्वेयर सी, ये प्लस 2 ए बी स्क्वेयर सी ये माइनस 2 ए बी स्क्वेयर सी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ बचेगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, हमें इन सबका प्रोडक्ट करना है मीन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या क्या है हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4
वाई मल्टीप्लाइड बाय 8 वाई की स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 16 वाई की क्यूब, सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 इंटू वाई प्लस 8 वाई स्क्वेयर इंटू 16 वाई क्यूब, 8 8 8 8 into 8 64, ये भी सेम है तो पावर साइड हो जाएंगे। वाई स्क्वेयर को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया वाई का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 16 वाई क्यूब। 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1024, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 6 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया 1024 पाई की पावर 6। नेक्स्ट है हमारे पास यूज द आइडेंटिटी दिस फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसमें हमें स्टेटमेंट दी नहीं हुई, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, पता नहीं प्रोडक्ट किसका फाइंड आउट करना था, दिया ही नहीं हुआ कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई ए प्लस 7 इन एंड बी माइनस 5, हमें ए प्लस 7 और बी माइनस 5 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ए को बी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा ए बी, ए को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 5 ए, 7 को b के साथ करेंगे तो ये आएगा 7b, अब 7 को माइनस 5 के साथ करेंगे तो आएगा 7 5 35, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, मीन का प्रोडक्ट फाइंड करना है 5 - 2x into 3 + x, 5 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 15, 5 को x के साथ करेंगे तो आएगा 5x, माइनस 2x को 3 के साथ करेंगे 3 2 6 साथ में x, माइनस 2 को 2x को x के साथ करेंगे तो 2x की स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 15 प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन बड़ी टर्म का माइनस का एक्स माइनस का 2x का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लाई, इनको भी हमें मल्टीप्लाई करना, क्या है हमारे पास y माइनस 8 और 3y माइनस 4, y को 3y के साथ करेंगे तो आएगा 3y की स्क्वायर, y को माइनस 4 के साथ करेंगे तो माइनस 4y, माइनस 8 को 3y के साथ करेंगे तो 8 3 = 24 और साथ में y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 4 = 32, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 3y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 28y प्लस 30, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई दिस, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते पहले एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर को प्लस 5 के साथ करेंगे तो प्लस 5x का स्क्वायर, माइनस 5 को x के साथ करेंगे माइनस 5x, माइनस प्लस माइनस 5 × 5 = 25 हो जाएगा, बाहर प्लस 25 ऐसे ही लिखा आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस 5x की स्क्वायर माइनस 5x, तो यहाँ से x कॉमन भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई दिस, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x को x स्क्वायर के साथ करेंगे x की क्यूब आ जाएगा, सबको करना होता है, पहले x को तीनों के साथ करेंगे फिर y को तीनों के साथ करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले x स्क्वायर को दोनों के साथ किया था फिर y
फाइव को दोनों के साथ किया था। ऐसे ही मल्टीप्लाई हमें पूरी ब्रैकेट को ही करना होता है। तो एक्स को पहले तीनों के साथ करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ किया तो एक्स का क्यूब आया, माइनस एक्स को एक्स वाई के साथ करेंगे तो एक्स की स्क्वायर वाई आ गया। अब एक्स को वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। अब वाई को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई को माइनस एक्स वाई के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई की स्क्वायर, वाई को वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा वाई की क्यूब। अब देख लेते हैं कुछ अगर कटिंग हो रहा हो, ये सेम है ये कट हो जाएगा, और इधर से ये सेम है ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूज द आइडेंटिटी, हमें इसको सोल्व करना है आइडेंटिटी को यूज करते हुए, हमें सोल्व 998 का स्क्वायर निकालना है। ये हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 इसका पावर 2। अब इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं किसका, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए क्या है हमारे पास, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 1000 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 1000, बी क्या है 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये तीन जीरो है तो इसके स्क्वायर में 6 जीरोस हो जाएंगी, 3 4 5 6, एक दो का 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 2 4, पीछे तीन जीरो आ जाएंगी, 2 2 4 तीन जीरो। अब इसे इसमें से माइनस करेंगे, हमें माइनस करना है 1 0 3 4 5 6, इसमें से 0 0 0 4 इसे माइनस करना, ये जीरो एज इट इज आ जाएगी, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहाँ पे 10 में से 4 जाएंगे 6, तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, ये 9 9, तो ये हो गया 9 9 6 0 0 प्लस 4। अब इसमें 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 4 0 0 6 9 9, तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सेम क्वेश्चन है, अभी किया ऐसा क्वेश्चन, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एल इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे लेंथ क्या गिवन है 2p, मल्टीप्लाइड ब्रेथ क्या गिवन है 4 q, हाइट क्या गिवन है 8 r, 2 4 8 8 into 8 64, pqr, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एड, इन सबको हमें ऐड करना है, मीन सबको जोड़ना है, क्या क्या है हमारे पास, a माइनस बी प्लस ए बी, इसको जोड़ना है इसके साथ, प्लस b माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी, तो बस अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें, ये माइनस का सी ये प्लस का सी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का भी ये प्लस का भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।